हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस कराने आया हूं, क्योंकि सरकार ने अब की बार स्टूडेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कि एग्जाम किस तरह होगा, एग्जाम का पैटर्न किस तरह होगा, किस बेस पर क्वेश्चन आएंगे, किस बेस पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकाला जाएगा। हर एक बच्चे को यही प्रॉब्लम है कि इस बार पेपर किस तरह होंगे, कब होंगे, रिजल्ट किस तरह निकलेगा, पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो ये सारी बातें डिस्कस कराने आया हूँ मैं आज अपनी इस वीडियो में, क्योंकि मैथ के बातें, मैथ के सवाल हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि हमारा एग्जाम किस तरह होगा, मैथ का कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ में, और हमारा मैथ में रिजल्ट क्या होगा, किस बेस पर क्वेश्चन निकलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चों का रिजल्ट किस बेस पर निकलेगा। अब की बार हमारी जो कट ऑफ होगी रिजल्ट की, वो वही रहेगी या कुछ नीचे होगी, ये सारी बातें डिस्कस कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सरकार ने अब की बार चार फैसले लिए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या क्या है वो चार फैसले, नंबर 1, 2, 3 और 4 चार फैसले लिए हैं सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए। वो चार फैसलों के बारे में मैं आपको एक बार डिस्कस करा देता हूँ। जो हमारा पहला फैसला है सरकार ने, जो पहला डिसीजन लिया है स्टूडेंट्स के लिए, वो लिया है सेंटर का। इस सेंटर का मतलब क्या होता है कि सरकार ने अब की बार ये घोषणा की है कि स्टूडेंट्स के जो सेंटर होंगे वो कम से कम किए जाएंगे, क्योंकि कोरोना का केस बहुत बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब तो कम हुए, लेकिन फिर भी डर रह रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। इसलिए इन सेंटरों की प्रॉब्लम ये है कि सेंटर जितने कम किए जाएंगे उतने अच्छे होंगे। कम का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को इकट्ठे नहीं होने देना है। तो पहली बात तो सेंटर की थी, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि वो आपको पता लग जाएगा टाइम टू टाइम। दूसरी बात जो हमारी है वो है इजी एग्जाम। मींस सरकार ने ये फैसला, ये घोषणा की है कि स्टूडेंट्स को डरने की अब की बार कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार 100% सिलेबस तो किसी भी बच्चे का कवर नहीं हुआ है। इसलिए जो हमारा एग्जाम होगा वो बिल्कुल ही इजी एग्जाम मिलेगा। इसके बाद जो काम था वो था हमारा पैटर्न ऑफ एग्जाम। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम का, जो एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरह बनाया जाएगा अब की बार। तो अब की बार जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा पहले क्वेश्चनों की तरह। पहले जो एग्जाम हुए थे हमारे पिछले साल या उससे पिछले साल, उससे बिल्कुल ही टोटली अलग एग्जाम होगा अब की बार। अब की बार एग्जाम किस बेस पर होगा, अब की बार एग्जाम में सरकार ने प्रायोरिटी दी है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब की बार पहले की बजाय ज्यादा मिलेंगे। अब की बार लगभग 40% हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मींस जो हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस नहीं होते थे मल्टीपल चॉइस, वो क्वेश्चनों की संख्या अब की बार ज्यादा होगी। मींस 100 में से 40% अब की बार हमें क्या मिलेंगे, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरा फैसला क्या था पैटर्न ऑफ एग्जाम के लिए सरकार का, कि जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं होते थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उनकी संख्या अब की बार कम की गई है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मींस बड़े क्वेश्चन अब की बार कम होंगे, हमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसका कारण क्या है हमारे पास, कि अब की बार स्कूलों में पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हुई है, स्टूडेंट की प्रिपरेशन अब की बार सिलेबस की अच्छी तरह नहीं हो पाई है। इसलिए सरकार ये चाहता है कि कोई भी बच्चा अब की बार बुरा परिणाम लेकर फेल ना हो। तो इसलिए हमारा जो पैटर्न होगा एग्जाम का, वो ध्यान रखना कि हमारे जो मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या ज्यादा मिलेगी अब की बार, और जो लॉन्ग टाइप आंसर होंगे वो हमें कम मिलेंगे। मींस आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस पर फोकस करें सबसे ज्यादा, क्योंकि अब टाइम कम बचा है हमारे पास, 1-2 महीने ही है, तो इन मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चनों की तरफ ज्यादा ध्यान दे। तो यह था हमारा पैटर्न ऑफ एग्जाम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और फोर्थ पार्ट, कि अब की बार जो हमारा प्रैक्टिकल जो सिलेबस होगा, चौथी बात क्या होती है, प्रैक्टिकल मार्क्स, कि हमारे जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स नहीं होते थे उनकी संख्या अब की बार बढ़ाई गई है। क्यों, क्योंकि जो हमारे प्रैक्टिकल के नंबर कितने मिलते थे साइंस में, लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें कितने मार्क्स मिलते थे, 20-20 मार्क्स मिलते थे, लेकिन अब की बार प्रैक्टिकल एग्जाम की जो मार्क्स होंगे वो 30 से 35 तक मिलेंगे। मीन्स हमें जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे, ये क्लियर नहीं है कि 30 मिलेंगे या 35, लेकिन इन दोनों में से होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स अब की बार बढ़ाए गए हैं, क्योंकि बच्चों को आसानी होगी इससे भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जो बच्चे पिछली बार हमारे 33% से पास होते थे ना, उन्हें अब की बार पास होने के लिए 33 नहीं, सिर्फ 27 नंबर की ही जरूरत होगी। मींस जिस बच्चे के 100 में से 27 मार्क्स आ जाएंगे वो अब की बार पास माना जाएगा, नहीं तो पहले जो 100 में से 33 नंबर लेता था उसे ही पास माना जाता था, लेकिन अब की बार 27 से पास होगा। इसके बाद बात आती है कि जो हमारा रिजल्ट है उसका बेस क्या होगा।
रिजल्ट हमें किस तरह मिलेगा, कि रिजल्ट को हम किस तरह ये पता चलेगा कि कौन सा बच्चा पास होगा या कौन सा फेल। तो अभी की बार जो नाइन्थ और ट्वेल्थ क्लास होगी, सॉरी नाइन्थ और इलेवेंथ क्लास, इन दोनों क्लासों को प्रमोट किया जाएगा अगली क्लास में। मींस इनके एग्जाम होने की संभावना बहुत कम है। अब की बार सरकार ने इनकी तरफ फैसला थोड़ा बहुत लिया है, मींस साइन ही हुए हैं। क्या है कि जो हमारा नाइन्थ और इलेवेंथ क्लास होगी वो प्रमोट की जाएगी बिना ये एग्जाम के। मींस इन्हें पास कर दिया जाएगा और अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन बात आती है हमारी टेंथ और ट्वेल्थ की, तो टेंथ और ट्वेल्थ हमें प्रमोट नहीं की जाएंगे, इनके एग्जाम जरूर होंगे। ये बच्चा ध्यान रखना हमेशा कि टेंथ और ट्वेल्थ के एग्जाम बिल्कुल ही पक्का होंगे, कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि टेंथ क्लास के एग्जाम ना ही ऑनलाइन होंगे अब की बार। कई बच्चों को लग रहा है कि हमारे जो एग्जाम होंगे टेंथ ट्वेल्थ के वो अब की बार क्या मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। नहीं, हमारे जो एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे, जो हमारे एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे, ये बात कन्फर्म हमारे लिए। और ऑफलाइन एग्जाम किस तरह होंगे, सेंटर जिस तरह पहले के एग्जाम होते थे बिल्कुल वैसे ही होंगे, बस फर्क ये होगा कि जो हमारे सेंटर होंगे वो कम मिलेंगे अब की बार। और रिजल्ट की बात कर रहे थे, जो हमारा रिजल्ट होगा वो अब की बार बहुत ही ईजी वे से चेक किया जाएगा। मीन्स हमें एग्जाम 100 नंबर की जगह 80 नंबर माना जाएगा। मीन्स क्या होगा कि जिस बच्चे को 33 नंबर की जरूरत होती थी उसे अब 33 नंबर की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ 27 की ही जरूरत होगी। जिस बच्चे को 27 नंबर मिल जाएंगे 100 नंबर में से, वो बच्चा पास माना जाएगा। और एग्जाम की जो हमारी डेट शीट होगी कि हमारे एग्जाम कब होंगे, वो कब कन्फर्म की जाएगी, हमारी फरवरी में कन्फर्म की जाएगी। मीन्स फरवरी में आपको ये बता दिया जाएगा कि एग्जाम कब होंगे। अब की बार मार्च में एग्जाम होने की संभावना बहुत कम है, अप्रैल या मई में आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर तो जरूर करें क्योंकि प्रत्येक बच्चे तक इस वीडियो का लिंक पहुंचना चाहिए ताकि हर एक को इन सरकार के कुछ फैसलों के बारे में जानकारी मिले। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।